2022 का जो विधानसभा चुनाव है अब सर पर है और इसके पहले ही हम पहुंचे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर में जो यूथ हैं वो जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर देखिए तमाम यूथ हैं हमारे साथ में, जान लेते हैं, बताइए क्या नाम है और ये बताइए युवा मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी एक्टिव हैं और प्लस योगी जी भी हैं, तो क्या लग रहा है किसके तरफ जा रहा है यूथ जो है गोरखपुर का, आप किसके साथ हैं? योगी जी के ही साथ है भैया, हमारे लिए योगी जी प्राथमिकता है भाई, हमारे शहर के हैं पहली चीज, और उनका काम और विकास ऐसा है कि देख लीजिए आप, यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि आप गोरखपुर में ही देख लीजिए, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जहाँ काम ना हुआ हो, विकास के कामों के लिए ऐसा कोई भी जिला ना होगा। गोरखपुर शहर देख लीजिए, देहात साइड देख लीजिए, तरकुआई देख लीजिए, हमारे कुआं देख लीजिए, नौकायान देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, सारे कामों को देखते हुए आप देख लीजिए ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो योगी जी ना किए हों। सारे तरफ के रोडों का चौड़ीकरण, फोर लेन, हर एक कामों के लिए योगी जी, हम लोग तो हमारे गांव से तो युवा सब योगी जी का लिए है। विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो यूथ हैं वो बता रहे हैं विकास, तो ये बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसके साथ जा रहे हैं युवा? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफी दमदारी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, प्रियंका गांधी भी एकदम मैदान में उतर गई हैं, कूद गई हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर शहर से हैं, हम लोग दिव्य प्रताप सिंह नाम है हमारा और यहीं के हम लोग निवासी हैं। योगी सरकार जो है बहुत ही शानदार काम कर रही है, और जो उनका कार्यकाल रहा है 4.5 साल या 4.25 साल जो भी कार्यकाल रहा है बहुत ही शानदार रहा है। विकास के क्षेत्र में देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, हर थाने में डेस्क जो बने हैं महिलाओं के लिए तत्काल प्रभाव से जो है काम हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर एम्स, सारे लोग जान रहे हैं कि विकास बहुत शानदार हो रहा है। रोड को देख लीजिए, रोड सारे बन रहे हैं, चलिए चारों तरफ विकास यहाँ दिख रहा है। और भी कुछ यूथ हैं जान लेते हैं, ये बताइए क्या लगता है, अखिलेश यादव युवा भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, एकदम दमदारी के साथ मैदान? नहीं, हम लोग पूरी तरीके से योगी जी के साथ हैं, हम गोरखपुर वाले हैं और विकास की, गोरखपुर वाले इसलिए योगी जी के साथ हैं, नहीं वैसे भी पूरे यूपी में आप देख लीजिए विकास की एक अनवरत श्रृंखला चल रही है। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है पूरा उत्तर प्रदेश, हमारा पूर्वांचल विशेष रूप से विकास की परियोजनाओं से उपेक्षित रहा करता था। वर्षों से यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का कहर हुआ करता था, अकाल मृत्यु, बच्चे मरते थे, लेकिन तमाम सरकारें आई चली गईं, हमने उनके संघर्ष को देखा है। जब वो सांसद थे उन्होंने पैदल मार्च किया था, और उसका परिणाम ये हो कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो गोरखपुर को एम्स मिल गया। इसके अलावा अभी कोविड से हम लोग उभर रहे हैं, पूरा देश हमारा कोविड से उभर रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आबादी है बहुत घनी आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन जितनी मजबूती से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश उभर रहा है कोविड से, उसके लिए हम लोग उनको बधाई देना चाहते हैं, और हमारा पूरा गोरखपुर उनके साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश साथ। ये बड़ी बात कही इन्होंने, इंसेफ्लाइटिस एक बड़ा मुद्दा था पूर्वांचल के लिए, बच्चों की मौत होती थी असमय, काल के गाल में समाते थे, कोविड एक बड़ा जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था, खरे उतरे ये बता रहे हैं कि सरकार खरी उतरी। और भी यूथ हैं उनसे जान लेते हैं, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग तो पूर्ण तरह से योगी जी के साथ हैं, क्योंकि जब से योगी जी की सरकार बनी युवाओं को रोजगार, प्रदेश में विकास, बहुत सारे काम हुए हैं और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आज पारदर्शी तरीके से रोजगार मिल रहा है, किसी की भी सिफारिश नहीं चल रही है, जो योग्य है उसको रोजगार मिल रहा है। जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास के सारे कार्य जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से और गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं, विकास के काम गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं और सारी चीज़ें इन्हें सही दिखाई दे रही हैं। ये बताइए आपको क्या लगता है, अखिलेश, प्रियंका या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश, इसका पूछ लीजिए क्यों, तो बताएं क्यों? ये बिल्कुल बताइए आप क्यों अखिलेश? भाई साहब बता रहे थे कि कोरोना में इतना अच्छा काम किए हैं योगी जी, लोग अपने गैस सिलेंडर के लिए, खुद अपने घर के लोगों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी लोगों की तो लोगों को रोड पे छोड़ दी दौड़ने के लिए, मरने के लिए। तो किस हिसाब से कह रहे हैं योगी जी? अरे ठीक है, अखबारों में और उसमें आपको दिख सकते हैं योगी जी, और कहीं ज़मीनी हकीकत जो है आप भी जानते हैं और लोग भी, यहाँ के लोग जानते हैं कि सिलेंडर के लिए लोग कैसे मर रहे थे, कि वहाँ पर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी सिलेंडर की, तो वहाँ लोग अपने आप व्यवस्था कर रहे थे। मतलब अखिलेश को आप चुनते हैं? जी अखिलेश, देखिए 2022 अखिलेश गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ का गढ़, अखिलेश के चाहने वाले भी यहाँ पर है। ये बताइए आप किसके साथ जाते हैं, प्रियंका, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? जी मैं अपने मित्र के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि अखिलेश यादव को ही हम लोग चुनेंगे, क्योंकि जो जैसा इन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिस तरीके का समय हम लोग देखे हैं कि कोई भी नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, भाजपा के थे तो कोई भी आगे आके कोई मदद नहीं किया। हमारे रवि किशन सांसद जी भी, उनसे भी हम लोगों ने मदद मांगी, उनसे जुड़ना चाहा,
लेकिन उनका कोई भी सामने से जवाब नहीं आया। हम लोग खुद जगह जगह पे कुछ हमारे समाजवादी जो है कार्यकर्ता, उन्होंने मदद की है लोगों की। तो देखिएगा इसका रिजल्ट ये आएगा कि हमारे अखिलेश भैया आएंगे सरकार में फिर से वापस। अखिलेश भैया आएंगे, प्रियंका गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी भी हैं, वो भी अच्छा कर रही हैं, वो भी एक समाज में जैसे कि वो जिस तरीके से उभर रही हैं तो वो भी एक, हाँ, वो टक्कर दे सकती हैं। प्रियंका गांधी भी एक बहुत बढ़िया चेहरा है कांग्रेस को बदलने के लिए और यूपी में नई राजनीति के लिए। चलिए, नई राजनीति के लिए अखिलेश और प्रियंका गांधी भी एक अच्छा चेहरा दिखाई दे रहा है। ये बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग तो कुछ कहना चाहते हैं आप? तो ये देखिए, जो गोरखपुर का यूथ है वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रियंका गांधी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, सभी को पसंद करने वाला है। और ऐसे में अगर गोरखपुर के यूथ की बात करें तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी रोचक और कड़ा होने वाला है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।